नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11। मैं हूं आपके साथ हर्षदा मिश्रा। रीवा जिले के 20 वर्षीय अनिल साकेत के पाकिस्तान की जेल में बंद होने की खबर से जिले भर में हड़कंप मच गया है। परिजनों के द्वारा बताया गया कि अनिल पिछले 4 वर्षों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। पाकिस्तान में होने की खबर से परिजन सकते में हैं और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर अनिल पाकिस्तान कैसे पहुंचा और अब भारत कब लौटेगा। 4 साल पहले घर से लापता हुए अनिल साकेत के पाकिस्तान में होने की खबर जैसे ही उसके गांव में पहुंची तो हर कोई आश्चर्यचकित था। नईगढ़ी थाना पुलिस ने अनिल के घर पहुंचकर परिजनों को ये जानकारी दी और उसकी पहचान से संबंधित कागजात की मांग की। इस समाचार को सुनकर घर वाले भौचक्के रह गए, क्योंकि 4 साल बाद उसको अपने बेटे का पता तो चल गया, मगर उसके पाकिस्तान के जेल में बंद होने से वो बेहद चिंतित हो गए। इस संबंध में रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान के द्वारा बताया गया है कि पिछले दिन भारत सरकार से एक युवक की जानकारी मांगते हुए ये बताया गया था कि ये युवक पाकिस्तान जेल में है और बंद है, जिसके बाद पुलिस की जांच में पाया गया कि अनिल साकेत नाम का युवक रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के छदनहाई गांव का रहने वाला था, जो कि 10 जनवरी 2015 से लापता है, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट परिजनों के द्वारा नईगढ़ी थाने में दर्ज कराई गई थी। एसपी रीवा ने कहा कि भारत सरकार को भेज दी गई है, अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मामले में किस तरह की कार्यवाही करती है। अपना के लड़का है? जी हाँ, लड़का। का नाम रहा? अनिल साकेत। अच्छा, कब गायब है? गायब है 2015 में। 2015 में कई साल हो गया? 14 साल लगा है। अच्छा, तो अपना का कस के पता चली? के पता हमका नहीं चली, आई रही मौका करे, पुलिस आई रही। कहाँ के पुलिस? नईगढ़ी। तो बोलिन कि लठ लड़का हैरान है, पाकिस्तान में 3 साल से बंद है। तो उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी सब ले आकर दे, तो हम ले जाके जमा करब तो वहाँ लड़का आई जाए। तो फिर वहाँ से आन तो पूरा रिकॉर्ड लेके गए गांव में, तो पूरा देहन तो फोटो कॉपी करा के यहाँ से लाई। अच्छा, अपना का कॉल आ गया था कि अपना का लड़का बहुत जल्दी घरे आवे वाले हैं, का लागत है? अब जब से सुन लिया सा लागत है कि लड़का आ जाए जल्दी से जल्दी। अच्छा, सरकार से अपना का कही चाहिए थे? हम सरकार से है निवेदन करना चाहिए थे कि हमारा लड़का घर में वापिस आ जाए जी। हाँ, जहाँ कहीं हो। अपना का नाम है? प्रकाश चंद साकेत। साकेत, आपके बड़े भाई का क्या नाम है? अनिल साकेत। वो कब गायब हुए जी? अब 4 वर्ष हो गए। तो फिर आपको कब और कैसे पता चली? जैसे ऐसे 12 बजे के टाइम निकल गए थे और फिर हम लोग ऐसे 1 घंटे में देखे कि घर में नहीं है, बाहर निकल चुके थे। उस समय कोहरा बहुत था तो घर पर नहीं थे। अच्छा, तो आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी यही मिली कि फिर घर से बाहर निकल गए और रात को भी नहीं आए, ये पता चला कि घर से बाहर निकल चुके हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई आपको मालूम है कहाँ है? जी सर, ये बताते हैं, थाने से पता चली कि पाकिस्तान में है, जो कि थाना में बंद है। कहे चाहिए थे अपना मोदी जी से? कहा कहे चाहिए थे अपना? अब मोदी जी से यही कहा चाहिए थी कि हैरान भूलान हवाई आए तो कुछ राई रक्षा कह देते, कौनो सहाय कह देते, आई जात हमारा लड़का आई जात, तो जो सुविधा मोदी जी खूब दे सब का दे हाँ सब। देखिए, एक करेस्पोंडेंस हमारे यहाँ आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें उन्होंने कोई अनिल कुमार नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ डिटेल्स भेजे थे, और इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग को पूछा था कि क्या इस नाम का व्यक्ति इस तरह की फोटोग्राफ का और इस गांव में क्या निवासरत रहा है कभी। और उसके बाद हम लोगों ने जब पुष्टि की तो 2015 से नईगढ़ी थाने में ये एक व्यक्ति है, जिसके सरनेम में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बाकी फोटोग्राफ्स और जो और डिटेल्स हैं वो उसी से मैच कर रही हैं, और वो यहाँ पे गुमशुदा है 2015 से। तो संभवतः वही व्यक्ति है जो जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछताछ कर रही है, और वो संभवतः पत्राचार से ही पता चल रहा है कि वो शायद पाकिस्तान की किसी जेल में
निरुद्ध है, तो हम लोग ने ये डिटेल्स यहाँ से वेरिफिकेशन करके भेजना था, वो भेज दिया है, और अब आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी उसमें।